और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फार्मेसी प्लस। मैं विभिन्न कुमार यादव लाया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री में टैबलेट कोटिंग होती है, टैबलेट को कोट करके जो बनाया जाता है, तो फिल्म कोटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, तो फिल्म कोटिंग कैसे करते हैं टैबलेट का, उसका प्रोसीजर आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, सबसे पहले कोटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है उसका लिस्ट यहाँ पर है। जैसे पहला है मिथाइलिन क्लोराइड, जिसे हम MDC भी बोलते हैं। दूसरा है एसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये दोनों सॉल्वेंट हैं। उसके बाद आता है HPMC, फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फिर टालकम, उसके बाद PAG 4000, उसके बाद आता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, उसके बाद आता है कलर। कलर जो रिक्वायरमेंट होता है वो पार्टी के हिसाब से, कोई भी कलर होता है वही। तो इसमें जो HPMC का यूज होता है वो पॉलीमर बनाने के लिए होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्यों होता है, वो कलर को थोड़ा लाइट करता है, कलर अच्छा आता है उससे। और टालकम का यूज हम करते हैं जो टैबलेट्स का स्मूथ करता है, स्मूथनिंग बढ़ाता है। तो इतना मटेरियल यूज़ करते हैं हम फिल्म कोटिंग टैबलेट को बनाने में। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोटिंग सस्पेंशन। तो वो सस्पेंशन कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस बताते हैं। और स्टार्ट करते हैं मिक्स मिथाइलिन क्लोराइड एंड एसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो MDC और IPA को मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें HPMC, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और टालकम को ऐड करते हैं। उसके बाद उसमें कलर को डिसॉल्व करते हैं, जो भी कलर आपका है। देन कंटिन्यूस स्टायरिंग, उसके बाद कुछ टाइम तक उसको कंटिन्यूसली घुमाते हैं अच्छे से मिक्स होने के लिए। फाइनली उसके बाद हम PAG 4000 को ऐड करते हैं एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को भी ऐड करते हैं और उसको 20 मिनट तक मिक्स करते हैं अच्छे से, उसको होमोजेनस बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए। तो उसको टाइम लगता है थोड़ा, तो 20 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको 60 मेस के सीव से फिल्टर किया जाता है, कि बाकी उसमें जो कुछ चीज़ें जो डिसॉल्व नहीं होती हैं तो वो ऊपर ही रह जाती हैं, बाद में 60 मेस के ऊपर ही रह जाती हैं, अंदर नहीं जा पाती हैं, तो उसको फिल्टर किया जाता है। इस तरह से आपका सोल्यूशन बनता है। तो कोटिंग सॉल्यूशन तो बन गया, सस्पेंशन तो हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद अब बात करते हैं कोटिंग प्रोसेस की, फिल्म कोटिंग प्रोसेस की। तो जो पहला उसका स्टेप है, क्या करते हैं कि जो कंप्रेस्ड एयर टैबलेट है, जो कंप्रेशन से होके आता है टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स, उसको हम वे करते हैं कि किस उसको हमको डिवाइड करना होता है, कितने लॉट में या कैसे कैसे हमको डिवाइड करके डालना होता है पैन में। तो पहले उसको वे करते हैं, उसके बाद आता है उसको डीडस्ट करते हैं टैबलेट को, उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं कोटिंग पैन में। फिर पैन को थोड़ा टाइम तक रोटेट करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं इनलेट एयर, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टैबलेट में डस्ट लगा होता है वो डस्ट थोड़ा उसमें उड़ जाता है, वो हट जाता है। फिर स्विच ऑन करते हैं इनलेट एयर सिस्टम को, थोड़ा टैबलेट को गर्म करने के लिए। तो इनलेट एयर सिस्टम को थोड़ा सा ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं जब टैबलेट को पेन में डालने के बाद, स्प्रे द सॉल्यूशन ऑन द टैबलेट्स यूजिंग स्प्रे गन विथ 1.6 mm बोर एंड द एयर प्रेशर टू बी मेंटेन एट 3 to 4 kg। तो उसके बाद जो ये सॉल्यूशन को स्प्रे की मदद से हम टैबलेट पे स्प्रे करते हैं, जो आपके स्प्रे गन की सहायता से, स्प्रे गन का जो नोजल साइज होता है वो 1.6 mm बोर होना चाहिए, स्टैंडर्ड इतना ही होता है। उसके बाद फिर जो एयर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जो कि 3 to 4 kg होना चाहिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है, कीप इनलेट टेम्परेचर इन बिटवीन 70°C टू 80°C। इनलेट टेम्परेचर को 70 to 80°C के बीच में मेंटेन करते हैं। फिर कंटिन्यू द स्प्रेइंग टिल कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंज्यूम्ड एंड टैबलेट आर प्रॉपरली कवर्ड। तो जो स्प्रेइंग होता है, जो सॉल्यूशन का स्प्रे होता है, वो कंटिन्यूड चलता ही रहता है और वो तब तक चलता रहता है कि जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। और
जो अपना टैबलेट है वो टैबलेट्स टोटली कवर्ड ना हो जाए, या उसका जब तक एक अच्छा फिल्म या लेयर जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं वो बन ना जाए, तब तक वो कंटिन्यू स्प्रे करता ही रहता है और वो बीच में रुकता है नहीं। उसका भी जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं कि स्प्रे जो कैसे होता है उसका स्प्रेइंग। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि जो पैरामीटर्स होता है उसका लिमिट क्या होता है, जो पैरामीटर्स मेंटेन करना होता है। तो जैसे कि पहले नंबर पे क्या है कि एयर नोजल साइज, जो एयर पाइप उसका जो नोजल साइज़ होता है वो 0.5 mm का होना चाहिए, और स्प्रे नोजल साइज यानी कि जो आपका स्प्रे गन है उसका जो नोजल साइज है वो 1.6 mm का होना चाहिए। तो और फिर इसके बाद आता है ऑटोमाइजिंग प्रेशर। ऑटोमाइजिंग प्रेशर जो होता है वो 3-4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एयर टेम्परेचर इनलेट, इनलेट का जो एयर टेम्परेचर होता है वो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटलेट का जो एयर टेम्परेचर होता है वो 45-48 यानी कि 45-48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद जो आता है फिर अगला जो पैरामीटर्स है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ गन्स एंड टैबलेट बेड। तो जो स्प्रे गन है और जो कोटिंग पैन में जो टैबलेट है यानी उसके बीच जो दूरी होनी चाहिए वो 22-24 यानी 22-24 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए। इसमें आपका जो स्प्रे गन है वो सॉल्यूशन को स्प्रे करेगा। फिर एंगल ऑफ गन्स टू टैबलेट बेड, तो जो स्प्रे गन है उस पे जो गन्स का जो एंगल होना चाहिए टैबलेट बेड पे वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद है आपका स्प्रे प्रोसीजर, वो तो कंटिन्यूस ही रहेगा, वो बीच में रुकना नहीं चाहिए वरना टैबलेट आपका चिपकने लगता है। और फिर होता है कि फ्लो रेट ऑफ सस्पेंशन यूजिंग वन स्प्रे गन 5-7 केजी पर आवर। फिर आपका आता है पंप स्पीड 35-45 आरपीएम और बेड टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो आपने देख लिया है कि टैबलेट का फिल्म कोटिंग कैसे होता है, उसका जो प्रोसेस है उसमें क्या मटेरियल यूज होते हैं वो कैसे होता है वो तो हमने बता दिया आपको। अब फिल्म कोटिंग के बाद जो टैबलेट होता है फिल्म कोटेड टैबलेट वो कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये सब देख लीजिए, जो टैबलेट है ये सब फिल्म कोटेड टैबलेट है, इनका कलर येलो कलर का था। ये भी जो टैबलेट है ये आपका फिल्म कोटेड टैबलेट ही है, आप देख सकते हैं कैसा होता है फिल्म कोटेड टैबलेट। हम आपको दिखाते हैं कि अभी इसको तोड़ने के बाद तोड़ के दिखाते हैं इसका लेयर कैसा होता है। ये देखिए इस पे जो ये जो लेयर एक बैठ जाता है फिल्म बैठ जाता है जिसको हम लेयर भी बोलते हैं। तो वो लेयर एक देखिए आप, दोनों टैबलेट जो टूटा हुआ है दोनों एक लेयर से बॉन्ड किया हुआ है, तो एक लेयर से कवर किया हुआ है। ये लेयर जो होता है इसको ही हम पॉलीमर बोलते हैं। ये HPMC से बनाया जाता है, HPMC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। आप देख सकते हैं कि फिल्म कोटेड टैबलेट इस तरह के ही होते हैं जिसपे जिसको एक लेयर से उसको कवर किया जाता है। इसको उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं कि टैबलेट का फिल्म कोटिंग क्यों किया जाता है, टैबलेट को एक लेयर से क्यों कवर किया जाता है या फिर टैबलेट का कोटिंग क्यों किया जाता है, इसके रीजन्स हैं उसको हम आपको बताते हैं अभी। तो ये तो हो गया कि टैबलेट का कोटिंग फिल्म कोटिंग कैसे करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म कोटिंग करने के बाद फिर टैबलेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम आपको बताते हैं कि टैबलेट का जो एवरेज वेट होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप फिल्म कोटिंग कर रहे हैं तो उसमें 2-3% जो आपका स्टैंडर्ड वेट था एवरेज वेट वो उसमें इंक्रीमेंट होता है, तो 2-3% आपका वेट बढ़ जाता है। और आपका जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है टाइम होता है, तो DT होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, वो भी 15 मिनट बढ़ जाता है। यानी अनकोटेड टैबलेट का जो DT 15 मिनट था वो अब आपका 30 मिनट हो जाता है। और आपको पता है कि फिल्म कोटिंग क्यों करते हैं, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो टैबलेट कुछ टैबलेट क्या होते हैं कि जो मॉइस्चर से उनको प्रॉब्लम होता है, जैसे
कुछ टेबलेट्स होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, जो जिसको मॉइस्चर जल्दी मॉइस्चराइज हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए उनका फिल्म कोटिंग करते हैं, जिससे उसमें क्या है कि एक लेयर लगा देते हैं, लेयर बन जाता है पॉलीमर का, जिससे वो टेम्परेचर से और मॉइस्चर से सेफ रहते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है उनका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट से वो बचे रहते हैं। और इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो उसको फिल्म कोटिंग टेबलेट को स्वेलिंग करने में यानी निकलने में बहुत आसानी हो जाता है। और एक रीज़न और है कि अगर कोई भी टेबलेट जो कड़वा लगता है, ऐसे जनरली तो सभी टेबलेट मेडिसिन जो है वो कड़वे ही होते हैं, लेकिन कुछ को अनकोटेड ही रहते हैं, जो कोटेड इसलिए कहते हैं कि जो उनका कड़वाहट होता है, कड़वापन वो आपको पता भी नहीं चलता, तो कोटिंग के बाद आपको कड़वा नहीं लगता है ऐसा टेबलेट। तो इस ऐसे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे टेबलेट को कोट किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके लिए और भी वीडियो हम बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।